दोस्तों, सऊदी अरब में लाइसेंस लेना बहुत ही आसान हो गया है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अक्षर पे आप लोगों ने लाइसेंस की इनिशियल जो ट्राई होती है उसके लिए आपने अप्लाई करना है। वो आप अगर कंप्यूटर से या किसी लैपटॉप से कर ले तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं। ट्रैफिक या जो ड्राइविंग का एक इनका अपना एक मेन्यू है, उसमें जाके आप इजीली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेट दिया जाएगा, आपने उसी डेट पर उसी टाइम पर पहुँच जाना है और आपने सबसे पहले इनिशियल इंटरव्यू देना है, ट्राई देना है। उसमें आप अगर पास हो गए तो आप तीन कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरी ए, बी और सी। कैटेगरी ए में अगर आप पास हुए तो आपको फिर नेक्स्ट काउंटर पे भेजा जाएगा और अगला डेट दिया जाएगा। उसमें क्या होता है, एक क्लास आपका सिर्फ होता है ड्राइविंग का और 6 घंटे का, और एक आपका थ्योरेटिकल टेस्ट हो जाता है। उसके बाद आपका मेडिकल वगैरह हो के आपको लाइसेंस मिल जाता है। टोटल आपका 1,000 खर्चा आ जाता है। अगर कैटेगरी बी में पास हुआ तो उसका 1,600 खर्चा है और उसके जो है 16 आवर्स हैं, 16 से 20 आवर्स। अगर कैटेगरी सी में आप पास हुए तो आपको 2,750 रियाल जो है आपको जमा करने होंगे और उसमें जो है 30 आवर्स, 30 घंटे आपने क्लासेस लेनी होगी। और आखिर में आपका थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होता है सिग्नल्स वाला, उसके बाद फिर आपको लाइसेंस दिया जाता है। तो अगर एक क्लास आपका इस बीच में कोई मिस हुआ तो आपको दोबारा से सारी क्लासेस लेनी पड़ेंगी और उसका 250 रियाल जो है एक क्लास का आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो ये इनिशियल टाइम में आप लोगों ने लाजमी ध्यान रखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।